हेलो एवरीवन, वेलकम टू MotorOctane। हमने ऑलरेडी सैंट्रो पे एक वीडियो बनाया जिसमें हमने बोला आपको कि सैंट्रो किस तरह से दिखती है, क्या फीचर्स ऑफर करती है, चलने में कैसी है, और वो एक क्विक वीडियो था और एक एक्सक्लूसिव वीडियो भी था हमारी तरफ से। आई बटन पे जाके देख लीजिए अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि सैंट्रो बेटर है या टियागो बेटर है या वैगन आर बेटर है या सेलेरियो। बने रहिए हमारे साथ अंत तक, ये है एक MotorOctane एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, Hyundai Santro लॉन्च होने वाली है 23 अक्टूबर को। प्राइसिंग अभी तक रिवील नहीं हुई है, पर 3.5 लाख टू 5.5 लाख के आसपास इसकी प्राइसिंग रहनी चाहिए। यह आएगी पेट्रोल सीएनजी में, और पेट्रोल में आएगी 5-स्पीड मैनुअल, 5-स्पीड एएमटी, और सीएनजी में आपको केवल 5-स्पीड मैनुअल मिलेगी। अब एग्जैक्ट वेरियंट्स क्या है वो रिवील नहीं हुए हैं, वो 23 अक्टूबर को ही होंगे विद द करेक्ट प्राइसिंग। पर एक चीज़ तो तय है कि जो एएमटी वेरियंट आता है पेट्रोल में, वो टॉप एंड मॉडल में ज़्यादा करके नहीं उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें फीचर्स भरपूर है और इस गाड़ी के टॉकिंग पॉइंट्स है इसके फीचर्स फॉर श्योर। स्पेस गाड़ी की अच्छी है, मेरी हाइट ऑलमोस्ट 6 फीट है और मैं आगे और पीछे बैठा था। पीछे जो है ना, इतना स्पेस बाकी था मेरे नी रूम के लिए, और हेडरूम इतनी जगह तो थी आराम से, तो देयर्स एम्पल ऑफ स्पेस इन द कार, और स्पेस की कमी नहीं है। फीचर्स में भी सैंट्रो में आपको बहुत कुछ मिल जाता है जो कॉम्पिटिशन आज ऑफर नहीं कर रही है। टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है 7 इंच का विद एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, रिवर्स पार्किंग कैमरा, मिरर लिंक कनेक्टिविटी, और क्या चाहिए आपको, सब कुछ दे दिया है इस गाड़ी में इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। आपको क्लाइमेट कंट्रोल नहीं आता है इसमें, आपको अलॉय व्हील्स नहीं आते हैं इसमें, कूल ग्लव बॉक्स नहीं आता है, रियर एसी वेंट्स आते हैं, 135 cc का उसका कंप्रेसर है जिसकी वजह से वो कूल ज़्यादा क्विकली करता है। साथ में आपको स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट नहीं आता है, हाइट रीच दोनों नहीं एडजस्टमेंट है। आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें आपको 2 ट्रिप्स आते हैं, इंस्टेंट फ्यूल माइलेज आता है, एवरेज फ्यूल माइलेज आता है, और डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखाता है इसमें। और सरप्राइजिंग बात यह कि जब मैं गाड़ी चला रहा था तब मुझे ऑलमोस्ट फुल टैंक था, एंड इट वॉज शोइंग मी अ रेंज ऑफ 600 किलोमीटर्स, विच इज़ फिनोमिनल। 1.1 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है, प्रोड्यूसिंग क्लोज टू 68 bhp, और ये आता है विद 5-स्पीड मैनुअल एंड एएमटी दोनों। और जो सीएनजी है वो भी सेम 1.1 लीटर इंजन है विद 58 bhp ऑफ पावर, लेकिन केवल 5-स्पीड मैनुअल। अब मैंने आपको एडवांटेजेस बता दिए ऑफ द सैंट्रो। मेरे हिसाब से अगर आप सैंट्रो देख रहे हैं अगेंस्ट द वैगन आर, आज की जो वैगन आर है वो देखने लायक नहीं है, उसकी नई जनरेशन बहुत जल्द आने वाली है। तो ये वैगन आर आउटडेटेड हो गई है, और नई वैगन आर का लॉन्च होना चाहिए इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2019। तो जैन फेब मार्च के अंदर नई वैगन आर का लॉन्च मार्केट में हो जाएगा। पर सेलेरियो के साथ भी अगर आप देख रहे हैं तो अगेन सेलेरियो मेरे हिसाब से इज़ नॉट अ ग्रेट चॉइस, सैंट्रो एक ज़्यादा बेहतरीन प्रोडक्ट हो जाता है आउटराइट। ये डायरेक्टली अब कम्पीट करती है विद टियागो, क्योंकि इन दोनों की प्राइसिंग कहीं ना कहीं क्लैश होगी काफ़ी हद तक। अब दोनों के एडवांटेजेस हम समझते हैं और डिसएडवांटेजेस समझते हैं। सैंट्रो का एडवांटेज है उसका ब्रांड नेम Hyundai, साथ में इसमें आपको फीचर्स थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं, टच स्क्रीन सिस्टम। सैंट्रो में आपको बेस मॉडल से एक एयरबैग और ABS स्टैंडर्ड मिलता है, और ये टियागो में आपको नहीं मिलता है। टियागो में आपको ऑप्शनल वेरियंट आता है जिसमें आपको 2 एयरबैग्स मिलते हैं, पर ABS अभी तक ऑफर नहीं किया गया है एज अ स्टैंडर्ड फीचर। तो ये एक चीज़ मेरे हिसाब से डाउनसाइड है। टियागो का म्यूजिक सिस्टम इज़ वर्थ अ मेंशन, क्योंकि उसमें आपको बहुत ही बढ़िया ऑडियो मिलता है, 4 स्पीकर्स और 4 ट्वीटर दिए, हार्मन का सिस्टम है, एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग टू हैव। वहीं पे टियागो में आपको रियर एसी इवेंट्स नहीं आते हैं। कंफर्ट दोनों गाड़ियों का अच्छा है। सैंट्रो का एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, जो उसका फ्रंट सीट्स है उसमें हेडरेस्ट एडजस्टेबल नहीं है, तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई है। वहीं पे टियागो का जो हेडरेस्ट है वो काफ़ी इजीली एडजस्टेबल है, एंड उसकी सीट्स का कंफर्ट थोड़ा बेटर है, एटलीस्ट द फ्रंट सीटिंग। टियागो की ड्राइविंग थोड़ी ज़्यादा प्लेजरेबल है, वहीं पे सैंट्रो जो है थोड़ी मोर ट्यून्ड है फॉर कंफर्टेबल ड्राइविंग। तो टियागो में आपको 3 सिलेंडर इंजन आता है, वहीं पे सैंट्रो में आपको 4 सिलेंडर इंजन आता है। मेरी माने तो इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, पर काफ़ी लोगों का ये सोचना है कि 3 सिलेंडर से बेटर 4 सिलेंडर लेना चाहिए। तो मैं आपको ये क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि ये एक और एक डिफरेंस है जो हाईलाइट करना चाहूँगा मैं। अब ये एक मेजर डिफरेंस नहीं है फॉर श्योर, लेकिन फिर भी ये हाईलाइट करना मेरा काम है।
टियागो में आपको डीजल इंजन भी आता है जो सैंट्रो में नहीं आता है. टियागो में आपको 1.05 लीटर का डीजल इंजन आता है, प्रोड्यूसिंग क्लोज टू 70 bhp ऑफ पावर और 5 स्पीड मैनुअल के साथ आता है. वहीं पे सैंट्रो में आपको आता है CNG फैक्ट्री फिटेड, जो आज भी टियागो में उपलब्ध नहीं कराया गया है. तो सैंट्रो का ये एक और एक एडवांटेज है. CNG मेरे हिसाब से इज़ अ बेटर ऑप्शन, खास करके अगर आपकी ड्राइविंग सिटी में है. नॉट दैट टियागो डीजल ख़राब है, टियागो डीजल तो मुझे बहुत पसंद आई थी, हमने उस पर एक लॉन्ग टर्म रिपोर्ट भी बनाया. आई बटन पे मैं वो लिंक छोड़ दूंगा, चाहिए तो मैं मेटा डिस्क्रिप्शन में, ज़्यादा ईजी होगा आपके लिए ढूंढने को, तो मैं मेटा डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी छोड़ दूंगा आपके लिए. तो दोस्तों ऑल इन ऑल अगर आप दोनों प्रोडक्ट्स देखें ना, तो दोनों काफ़ी स्ट्रांग है, और मुझे अगर एक पिक करना है ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है. सैंट्रो में आपको डेफिनेटली ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, सेफ्टी पे भी ध्यान दिया गया है गाड़ी में, एंड इट्स अ ग्रेट पैकेज टू लुक एट. टियागो भी काफ़ी स्ट्रांग है, पर दोनों में से एक विनर बताऊं तो वो प्राइस पे ही बॉइल डाउन होगा. लोअर वेरिएंट्स में सैंट्रो एक बेटर डील है, क्योंकि सैंट्रो आपको ऑफर करती है सेफ्टी फीचर्स ज़्यादा ओवर टियागो. वहीं पे अगर आप टॉप एंड मॉडल को देखेंगे ना, तो वहाँ पे बहुत क्लोज क्लैश है. मैं उम्मीद करता हूँ टाटा इस गेम को अपने इम्प्रूव करे एंड दे गेट द टच स्क्रीन सिस्टम इसमें भी, क्योंकि सैंट्रो अगर आज ये ऑफर कर रही है तो टाटा पे भी ये सिचुएशन आएगी कि उनको टच स्क्रीन सिस्टम ऑफर करना पड़ेगा समटाइम इन द नियर फ्यूचर. पर टियागो में जो एक्साइटिंग न्यूज़ रहेगी वो रहेगी इसकी JTP. तो JTP टियागो का एक अपडेटेड वर्जन आएगा, केवल एक वेरियंट आएगा जिसमें आपको नेक्सॉन की इंजन मिलेगी, यानी कि वो 100 bhp ऑफ पावर बनाएगा. अब तक जो गाड़ी 70 bhp बना रही थी वो सीधा 100 bhp बनाएगी विद द सेम 1.2 लीटर इंजन विद अ टर्बो चार्जर. तो इसके कारण गाड़ी का परफॉर्मेंस एनहेंस हो जाएगा और आपको बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस मिलेगी. तो जिस तरह से लोग अबार्थ पुंटो को देखते हैं, पोलो GTTSI को देखते हैं, पोलो GTTDI को देखते हैं, वैसे ही एक टियागो JTP आ जाएगी जो ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रहेगी और एंथुजियास्ट लोगों को अट्रैक्ट करेगी, यानी कि जिन लोगों को गाड़ी चलाने का बहुत शौक है, जिन्हें गाड़ी भगाने में मज़ा आता है, ट्विस्ट टर्न्स करने में मज़ा आता है, उनके लिए ये एक आइडियल चॉइस बन जाएगी. कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर सैंट्रो की प्राइस 3.5 से 5.5 तक रही तो सैंट्रो इज़ डेफिनेटली अ स्ट्रॉन्गर चांस टू बीट टियागो. पर मेरे हिसाब से दोनों की गेम ऑलमोस्ट सेम है. अब क्या आप एक्साइटेड है फॉर 23 अक्टूबर जब सैंट्रो का लॉन्च होगा? मैं एक्साइटेड हूँ जब मैं सैंट्रो और टियागो का डायरेक्ट कंपैरिजन करूँगा फेस टू फेस, और आपको बताऊँगा कि इन दोनों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है और किस वजह से. अभी तक के लिए तो मेरे हिसाब से सैंट्रो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है इन दिस गेम. नॉट दैट टियागो इज़ नॉट रॉन्ग, इनफैक्ट टियागो हमारे ऑलमोस्ट सारे कंपेरिजन टेस्ट जीत चुकी है और अभी भी लग रहा है कि वो शायद जीत जाए. तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों. मैं आपके लिए एक क्विक वीडियो डिलीवर करना चाहता था ऑन सैंट्रो वर्सेस टियागो, और वो मैंने आज किया है. लेकिन डोंट बी डिसअपॉइंटेड, आपके लिए और एक कॉम्पिटिशन प्रोडक्ट आने वाला है इस सेगमेंट में, जो है डैटसन गो. मैं चेन्नई में ही हूँ, अगर आपको याद है मैंने सैंट्रो भी चेन्नई में चलाई थी, मैं वापस नहीं गया अभी तक, जस्ट सैंट्रो चला के आया हूँ, और कल मैं चलाने वाला हूँ डैटसन गो. यानी कि अगले 2 दिन के अंदर आपको डैटसन गो का भी एक डिटेल रिव्यू मिलेगा. इसकी भी प्राइसिंग वही सेगमेंट में आएगी, और मैं जितना समझता हूँ इसमें 2 एयरबैग्स और ABS ज़्यादा करके ऑफर कर दिया जाएगा. फिलहाल के लिए फिंगर्स क्रॉस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर टुडे. मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ. टेक केयर गाइज, ड्राइव सेफ.